और पानीपत की तरह सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के गांव में भी बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। खेतों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले एक महीने से खेतों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन इस पानी की निकासी पर ध्यान नहीं दे रहा। वहीं प्रशासन का कहना है कि उनकी तरफ से तो पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनको मुआवजा दिलाने की कोशिश होगी, लेकिन मुआवजा दिलाना और खेतों से पानी निकालना, पानी की निकासी करना दो अलग अलग काम है, जिसका अंतर फिलहाल प्रशासन नहीं समझ पा रहा है। आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से परेशान हैं, उनके खेतों में पानी भर गया है और उनकी रोजी रोटी का अब लाले पड़ने लग गए हैं। गोहाना अक्षेत्र के खेतों से पानी निकासी न होने से किसान मायूस जरूर है, क्योंकि जो ड्रेन है वह बंद है, चलती नहीं है, वह भी ओवरफ्लो हो चुकी है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डीजल का इंजन है और यहाँ से आप यह भी देख सकते हैं कि यह पाइप जो है खेत में लगा रखा है और ड्रेन में छोड़ रखा है, ताकि खेत से पानी निकासी का प्रबंध जो है वो किया जाए। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किसान जो है खेत में फिलहाल जो है पानी निकासी के प्रबंध में लगा हुआ है। वजह एक ही सामने आ रही है कि अगर ड्रेन की सफाई हो जाए तो जाहिर है कि किसानों के खेतों से पानी निकासी हो सकती है। अब ये पानी निकासी नहीं हो रही है, ड्रेन की क्या प्रॉब्लम है? ड्रेन की जी सफाई नहीं हो रही, इसकी सफाई न होने के कारण से आ गए हैं, जो रास्ता बंद हो गया, वो मिट्टी खिसक गई है और पंप हाउस के जो पास पानी नहीं जा रहा, इसलिए इसमें रुकावट होकर पानी जा रहा है। धान है, फसल धान है, ये ज्वार है, बाजरा है, इनकी खेती है, बिल्कुल बर्बाद हो गई है। आप देख लो, बिल्कुल ग्राउंड पर हो आप, सारी फसल खराब हो गई है जी। गवर्नमेंट को टोटल 50% किसानों की जमीन इसमें आती है, हर साल ऐसे हो जाता है, ये फसल तो बर्बाद होती होती है। अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हम करवाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उसका कुछ नहीं मिलता। सरकार ने ये मना कर दिया है, धानों का नहीं मिलेगा। हमारा फंडेड एरिया है, हम और तो कुछ बिजाई कर नहीं सकते। पानी तो कम से कम एक महीना हो गया इसके भरे अंदर, सरकार इसकी निकासी नहीं कर रही अब तक, और कम से कम 700-800 एकड़ जमीन खराब हो चुकी है हमारी फसल। फिर मायूस और परेशान है, कहता है कि उन्हें मुआवजा सरकार दे और पानी निकासी का प्रबंध कर दे तो उन्हें राहत प्राप्त होगी। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।